नमस्कार बच्चों, नमस्कार बच्चों, मैं नीता शर्मा आज आपको कक्षा छठी के पाठ चार 10 पुरानी चीजों को पढ़ाऊंगी। बच्चों, ये पढ़ने से पहले हम ये समझना चाहते हैं कि 10 पुरानी चीजों से क्या तात्पर्य है। ऐसी पुरानी चीजें जो पुराने समय में चला करती थी, लेकिन आज वो धीरे धीरे लुप्त तो हो चुकी है। तो इस पाठ का अध्ययन करने से पहले मैं आपको यह समझाना चाहूंगी कि प्राचीन समय में हमारे घरों में बहुत सारी ऐसी चीजें थी, जैसे थैले, लालटेन, साइकिल के चक्के और लिफाफे, पत्र पत्रिकाएं, पुस्तिकाएं और टेलीफोन जो अपन डायल करके चलाया करते थे, ऐसे टेलीफोन ये आजकल कहीं ना कहीं लुप्त हो चुके हैं। टेलीफोन का स्थान मोबाइल ने ले लिया है, पंखे का स्थान एसी ने ले लिया है, एयर कंडीशनर ने ले लिया है। तो इन सब चीजों के ऊपर ही ये पाठ आधारित है। तो आइए हम पाठ का अध्ययन करते हैं। बच्चों देखिए, सामने हमारे सामने कमरे का दृश्य है। एक घर में एक कमरा है जिसका दृश्य हमारे सामने प्रस्तुत किया गया है। तो इस कमरे में कुछ ऐसी चीजें हैं जो बहुत पुराने समय में हमें हमारे घरों में देखने के लिए मिलती थी। देखिए, एक टेबल के ऊपर लालटेन रखी हुई है, इसी के पास में अलार्म घड़ी रखी हुई है, इसके दूसरी तरफ है वो टाइपिंग करने वाली मशीन रखी हुई है, ठीक उसी के पास में टेलीविजन रखा हुआ है, ठीक उसके पास में अपने पास पंखा है, यहाँ पे इस टेबल के ऊपर कुछ चिट्ठियां आई हुई है वो रखी हुई है, ठीक पास में रेडियो है, उसके ठीक पास में टेलीफोन रखा हुआ है, उसके ठीक ऊपर साइकिल का पहिया लगा हुआ है। तो ये ऐसी चीजें जो पुराने समय में मिलती थी। और इसी के एक पास में देखिए चारपाई का डंडा भी दिखाई हमें दे रहा है। तो ऐसी कुछ चीजें हैं जो पुराने समय में हमें दिखाई देती थी अपने घरों में, जो आजकल धीरे धीरे करके लुप्त हो चुकी हैं। तो ये पाठ का अध्ययन इसी के ऊपर हम करते हैं। तो आइए देखते हैं। इतवार मुझे अच्छा लगता है। इतवार का मतलब रविवार। रविवार मुझे अच्छा लगता है, शायद इसीलिए कि इसमें और दिनों जैसी जल्दबाजी नहीं होती। तो बच्चों, रविवार तो आपको भी अच्छा लगता है, शनिवार वाले दिन ही आपके मन में तरंगे उठने लग जाती हैं। चाहे आप रविवार को स्कूल की पढ़ाई करो या ना करो, लेकिन रविवार आपको बहुत अच्छा लगता है। यह बात अभी अभी गए रविवार की है। अखबार के साथ आने वाली मैगजीन को खोलते ही मेरी नजर मोटे मोटे अक्षरों में लिखी इबारत पर ठहर गई। अखबार के साथ एक मैगजीन यानी पुस्तिका को खोलते ही मेरी नजर मोटे मोटे अक्षरों में लिखी इबारत का मतलब होता है हेडिंग। वे 10 चीजें जो कल थी पर आज गुम हो चुकी है। इस लेख में उन चीजों का जिक्र था। जिक्र का मतलब चर्चा। उन सब चीजों की चर्चा थी जो कभी हमारे जीवन का हिस्सा थी पर अब लगभग खत्म हो गई है। परंतु ये कहना भी कठिन न होगा कि खत्म हो गई है, बस विज्ञान की प्रगति ने इनका रूप बदल दिया है। कहने का तात्पर्य है कि मान लो टेलीविजन था पहले के समय में, तो आज क्या टेलीविजन खत्म हो गया? नहीं, लेकिन इसका रूप परिवर्तन हो गया है। टीवी तो है ही, मनोरंजन का साधन तो है ही, पर इसका जो रूप है वो चेंज हो गया है। तो विज्ञान ने नई टेक्निक के साथ एलईडी, एलसीडी, पहले एलसीडी आई, एलईडी आई, तो इस तरीके से वो स्थान है, टीवी का स्थान है, वो इन लोगों ने ले लिया है। किसने? एलईडी ने, एलसीडी ने। और इसी के साथ देखिए पंखा है, पंखे का रूप परिवर्तन हो गया, पंखे की जगह कूलर आ गए, एसी आ गई। तो विज्ञान ने इसका स्वरूप चेंज कर दिया। नीचे देखिए, इस लेख ने मुझे कई चीजों की याद दिला दी। रेडियो, चिट्ठी, अलार्म घड़ी। हमारे पास भी एक अलार्म घड़ी थी। सालों इसके तीखे अलार्म ने मुझे जगाया था। सोने से पहले अलार्म सेट कर चाबी भरने की जिम्मेदारी मेरी ही थी। पहले के समय में ऐसा होता था कि हम घड़ी में अलार्म सेट करते थे परीक्षा के दिनों में कि सुबह मुझे इतनी जल्दी उठना है। लेकिन सालों इसके तीखे अलार्म ने मुझे जगाए। यहाँ पर लेखक ये कहना चाहते हैं कि इस अलार्म घड़ी को भरने की जिम्मेदारी मेरी थी और सुबह यह जब अलार्म बजता था तो इससे बहुत तीखी स्वर सुनाई देता था। छोटी सी थी वह घड़ी हमारी, जो अपने ही स्टैंड में बंद भी हो जाती थी। यानी डिब्बी वाली घड़ी थी और छोटी सी थी, जिसको भी स्टैंड में लगा के उसको बंद भी कर दिया जाता था। हमारे पूरे घर की एक ही घड़ी होती थी वह। आज तो यह भी याद नहीं आया कि वह कब कहाँ चली गई।
अब तो सब अपने अपने मोबाइल में अलार्म लगाते हैं। कहने का तात्पर्य क्या है कि हमारे घर में इकलौती एक ही घड़ी थी, अलार्म घड़ी, जो हमें जगाने का कार्य करती थी। पर आज उस अलार्म का स्थान, अलार्म घड़ी का स्थान किसने ले लिया? मोबाइल के अलार्म ने ले लिया। तो इस प्रकार देखिए बच्चों, पहले एक रूम हमने देखा था जिसमें क्या पुराने सामान रखे हुए थे, अभी एक रूम हमारे सामने जिसमें पुराने सामान रखे गए हैं, साथ ही साथ उसका अत्याधुनिक रूप भी हमें प्रस्तुत किया गया है। जैसे देखिए टीवी के साथ में एक दीवार पर लगी हुई एलसीडी हमें दिखाई दे रही है, इसी के साथ में देखो ऊपर दीवार पे एसी लगा हुआ भी दिखाई दे रहा है। बेड की व्यवस्था भी, चारपाई की जगह बेड लग चुके हैं, टेबल कुर्सी का स्थान यहाँ पर सोफों ने ले लिया है, लालटेन की जगह यहाँ पे बल्ब लग चुके हैं। तो और ये अलग अलग तरीके की चीजें हैं वो इस रूम में आ चुकी है, कमरे में आ चुकी हैं। तो ये ऐसा परिवर्तन आज के समय में हुआ है। अब आगे देखिए बेटा, यहाँ पर लेखक कहना चाहते हैं कि घड़ी की तरह कई चीजें होगी जिनकी अब तो यादें तक धुंधली हो चुकी हैं। धुंधली का मतलब कम दिखाई देना, यानी जो स्पष्ट ना हो। कुछ के नाक नक्श बदल गए हैं, लालटेन, स्टोव, स्वेटर बुनने की सिलाइयां और वह टेबल पर रखा पंखा चलते पंखे के सामने मुंह करके फूंकने या भू की आवाज निकालने के खेल हम अक्सर खेलते थे। जब छोटे थे तब पंखे चला करते थे तो पंखे की जो आवाज थी उसके सामने हम खड़े होकर हमारे मुंह से आवाजें निकाला करते थे और वो आवाजें वो पंखे की गति के कारण हमारी इधर उधर झूलने लग जाती थी। और घर वालों को हमेशा डर जरूर लगा रहता था कि कहीं हाथ या कपड़े उसमें न फंस जाए। कहा जाता है कि फला मोहल्ले के फला पप्पू के कपड़े इसी तरह पंखे में फंस गए थे। पता नहीं है खबर देश के सब बड़ों तक कैसे पहुंची होगी। उस समय बिजली, पंखे के स्विच भी तो आज के स्विच से कितने अलग होते थे। काले मोटे दबाव तो जोर की खट सुनाई देती थी, शायद इसीलिए कि उन्हें लोग खटके कहा करते होंगे। मैं अपने घर की ट्रंक या पेटी को कैसे भूल सकती हूँ, चारपाई के नीचे रखा काला ट्रंक जिस पर हर वक्त ताला लगा रहता था। तो ये पुराने समय के समय में ऐसा हुआ करता था। तो पुराने समय में जब पंखा चलता था तो घर के जो बड़े सदस्य हैं वो बच्चों को ये डर दिखाते थे और उनको कहते थे कि उस मोहल्ले में पप्पू है, उसके कपड़े ऐसे ही फंस गए थे। और हर घर में लोग यही उदाहरण दिया करते थे जिससे बच्चों को वो डरा सके और बच्चे पंखे से ज्यादा छेड़खानी ना करें। पहले के समय में बिजली के जो स्विच होते थे उनके खटके होते थे, जिनको लोग खटके का नाम इसी वजह से देते थे क्योंकि वह काले काले होते थे, वो मोटे होते थे, जिनको बंद करते या दबाते तो उससे जोर से खट की आवाज सुनाई देती थी, इसीलिए उसको लोग खटके बोला करते थे। इसी तरह लेखिका कहती है कि मैं अपने घर में एक पुरानी ट्रंक या पेटी थी उसको कैसे भूल सकती हूँ, चारपाई के नीचे रखा यह काला रंग का ट्रंक जिस पर कि हर वक्त क्या लगा रहता था, ताला लगा रहता था। बावर्ची फिल्म देखी है आपने, राजेश खन्ना और जया भादुड़ी की, उसमें भी एक ऐसा ही बड़ा सा ताला लगा ट्रंक चारपाई के नीचे रखा रहता था। अंत तक सस्पेंस बना रहा कि उसमें है क्या। पर हमारे घर का ट्रंक कभी कभी खुला करता था, जब खुलता हम सब भाई बहनों से घेर कर बैठ जाते, उसकी तो याद तक से फिनाइल की गंध आ जाती है। करीने से रखे कपड़े, माँ की शादी का सूट भी सबसे पहले मैंने उसी ट्रंक में देखा था। हम पहन पहन कर देखते, माँ डांटती भी और हंसती भी जाती, बातों का एक सिलसिला सा चल निकलता, सिलसिला यानी लगातार होने वाली। माँ के बचपन से बड़े होने की बातें, स्कूल की, मेले ठेलों की, उनकी शादी की, हमारे बचपन की, ट्रंक नहीं जैसे कोई टाइम मशीन थी है। अब यहाँ पर लेखिका क्या कहना चाहती है कि हमारे घर में भी एक ट्रंक था जैसे बावर्ची मूवी में था। तो उस ट्रंक, बावर्ची मूवी का जो ट्रंक था उसमें तो लास्ट समय तक ये सस्पेंस था कि इसमें है क्या आखिर। लेकिन जो लेखिका के घर पे जो ट्रंक था वो कभी कभी खुला करता था, वो जब खुलता था तो बच्चे बहुत ज्यादा एक्साइटेड हो जाते थे, बहुत ज्यादा उत्साहित हो जाते थे कि इस ट्रंक में आखिर है क्या। तो जब वह उस ट्रंक के आसपास घेरा बना के बैठ जाते थे तो उसमें से फिनाइल की गंध आती थी, यानी कपूर या फिनाइल जो कपड़ों को सुरक्षित रखने के लिए रखे जाते थे, तो उनकी सुगंध उन्हें आज भी उनको याद आती है
और उस ट्रंक में क्या रखे हुए थे, कपड़े, कपड़ों को जचा के रखे थे, जिसमें उनकी माँ की शादी का सूट और भी बहुत सारी पुरानी चीजें होती थी, और कई तो ऐसी चीजें होती थी, वो उन बच्चों के बचपन की चीजें भी लेखिका कहते हैं कि हमारे बचपन की भी कुछ चीजें ऐसी होती थी जो उसमें रखी हुई होती थी, जो हमारे बचपन की याद दिलाती थी, मेरी माँ की शादी की बातें, हमारे बचपन की यादें, कुछ मेलों की बातें, ये सारी बातें, स्कूल की बातें, ये सारी बातें हमें उस ट्रंक में समझ में आती थी, जैसे वो कोई ट्रंक नहीं, टाइम मशीन है जो कि हमारे बीते हुए समय की बातें हमें बता रहा है। नेक्स्ट देखो, अखबार की अगली चीज पर नजर दौड़ाई, चिट्ठी, हाथ से लिखी चिट्ठी, मुझे तो याद ही नहीं आ रहा मैंने पिछली चिट्ठी कब और कैसे लिखी थी, और मुझे पिछली बार कब चिट्ठी मिली। आपने कभी लाल डिब्बे में चिट्ठी डाली है और डाकिये का इंतजार किया है। यानी पहले के समय में क्या होता था, बच्चे संदेश, बच्चे बूढ़े सभी लोग अपना संदेश किसके माध्यम से भेजते थे, चिट्ठी के माध्यम से। आजकल तो लोग क्या करते हैं, मोबाइलों में व्हाट्सअप कर देते हैं और मैसेज भेज देते हैं, वीडियो कॉलिंग भी कर लेते हैं, लेकिन पहले के समय में क्या होता था, वो एक चिट्ठी का इंतजार सभी को रहता था। तो लोग कम्युनिकेशन किसके माध्यम से करते थे, चिट्ठी के माध्यम से। बड़े बुजुर्ग है वो अपने बच्चों से चिट्ठी के माध्यम से ही उनका समाचार जानते थे। तो पहले के समय में चिट्ठी है वो बहुत ज्यादा प्रचलित थी। लाल रंग का एक बॉक्स होता था जिसमें चिट्ठी डाली जाती थी, जहां से डाकिया चिट्ठी निकालकर अलग 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 घरों में जा जाके भरी दोपहर में वो चिट्ठियां बांटा करता था। आगे देखिए, अब शायद किसी के घर अच्छी या बुरी खबर तार और टेलीग्राम से मिलती होगी। तार किसको बोलते हैं, टेलीग्राम को, जो इमिडिएटली भेजा जाता है। असल में फोन जो आ गया है, कुछ फोन ने चिट्ठी तार की जरूरत को कम किया और रही सही कसर ईमेल ने पूरी कर दी। जिन दिनों में रेडियो सिलोन सुना करती थी तब की बात है, रेडियो सिलोन भी तो अब गुमसा हो गया है। पहले रेडियो काफी प्रचलन में था, लेकिन अब क्या है, रेडियो प्रचलन कम हो चुका है। आगे देखिए, तो उस समय रेडियो में प्रोग्राम आता था पेन फ्रेंड, यानी चिट्ठी के जरिए दोस्त बनाने। उत्तर प्रदेश के किसी गांव की गजाला यास्मीन से मेरी दोस्ती ऐसी ही हुई थी। कई साल तक हमने एक दूसरे को पोस्ट कार्ड लिखी, चिट्ठियों का सिलसिला खत्म हुआ तो हम भी खो गए। यानी जब चिट्ठियों का सिलसिला था, जब तक तो उनमें दोस्ती थी, लेकिन चिट्ठियों का सिलसिला जैसे ही खत्म हो गया, वो एकदम अनजान हो गए थे। जिस फोन ने चिट्ठियों को कम किया, वह भी तो कितना बदल गया है। गोल खांचों वाला फोन, जिन घरों में पुरानी चीजों को भी बड़े ख्याल से रखा जाता है, वहां शायद यह देखने को मिल भी जाए। ऐसे फोन तो खैर बहुत पहले की बात है, पर आज कितने घरों में लैंडलाइन फोन रह गया है। अब तो मोबाइल का जमाना है। अब यहाँ पर लेखिका कहना चाहती है कि वो गोल डायल करने वाला खांचों वाला फोन तो किसी किसी घरों में आज भी शायद पुराना पड़ा हुआ रखा मिल सकता है, पर लैंडलाइन जो अभी रिसेंटली थोड़े साल पहले भी चला करता था, वह भी आजकल कई कई घरों में ही देखने को मिलता है। आजकल तो मोबाइल का जमाना आ गया है, और आज ऐसा समय आ गया है कि बड़े बुजुर्ग, बूढ़े से बूढ़ी औरतें, बूढ़े उससे बूढ़े लोग, सभी के हाथों में फोन रहता है, और लोग इन फोन, मोबाइल फोन के कारण भीड़ में बैठे हुए भी अकेले रहते हैं, वो और अपना फोन, बस इन्हीं में वो लगे हुए रहते हैं। तो आज का समय किसका आ गया, मोबाइल का जमाना आ गया है। आज मनुष्य है वो बहुत ज्यादा वैज्ञानिक युग में जी रहा है, वैज्ञानिक अनेक तरक्की कर ली है। तो बच्चों, आगे का जो चैप्टर है वो हम अपने नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे, जब तक आप यहाँ तक के चैप्टर को रिवाइज करना। ओके, धन्यवाद।